दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में बरसात होने से एक तरफ ठंड का प्रकोप बढ़ गया तो दूसरी तरफ किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी और बारिश होने से ठंड में हुए इजाफे ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। वहीं बारिश होने से प्रदेश सहित पांवटा व चुलाई के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बारिश के होने से गेहूं, आलू, लहसुन व धनिया सहित अन्य बीजी फसलों की पैदावार अच्छी होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश से सभी फसलों को फायदा होगा, पर सरसों की फसल को थोड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये केवल किसानों के लिए ही लाभकारी नहीं है, बल्कि बारिश के आने से घास पत्ती पर जमी धूल भी साफ हो गई है, जो कि पशुओं के लिए भी लाभकारी है। कल शाम से बारिश जो है तेज बारिश हो रही है, और ये जो बारिश अभी इस समय में हो रही है किसानों के लिए एक तरह से रामबाण ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि लोगों ने अपने खेतों में भी गेहूं बोई हुई है, अदरक बोया हुआ है, लहसुन प्याज की भी का समय आ चुका है। कुछ लोगों ने प्याज का जो है पनीरी बोई है, कुछ ने प्याज बो दिया है, और अभी क्या बोलते आलू भी बोने वाले हैं लोग, अदरक लोगों ने लगाया हुआ है, और एक सरसों जिससे निकलती है तोरिया वो भी लोगों ने अपने खेतों में बोया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ओवरऑल देखें तो हर किसान के लिए जो है बारिश रामबाण सिद्ध हो रही है। एक लिमिट में अगर बारिश रहेगी तो ये हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर बारिशें थोड़ी लंबी हो जाती हैं फिर किसान को थोड़ा नुकसान होने का डर रहता है, परंतु अभी तक जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए बड़ी अच्छी और लाभदायक सिद्ध हो रही है। जैसा कि कल शाम से बारिश जो है तेज़ बारिश हो रही है, और ये जो बारिश अभी इस समय में हो रही है किसानों के लिए एक तरह से रामबाण ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि लोगों ने अपने खेतों में भी गेहूं बोई हुई है, अदरक बोया हुआ है, लहसुन प्याज की भी का समय आ चुका है। कुछ लोगों ने प्याज का जो है पनीरी बोई है, कुछ ने प्याज बो दिया है, और अभी क्या बोलते आलू भी बोने वाले हैं लोग, अदरक लोगों ने लगाया हुआ है, और एक सरसों जिससे निकलती है तोरिया वो भी लोगों ने अपने खेतों में बोया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ओवरऑल देखें तो हर किसान के लिए जो है बारिश रामबाण सिद्ध हो रही है। एक लिमिट में अगर बारिश रहेगी तो ये हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर बारिशें थोड़ी लंबी हो जाती हैं फिर किसान को थोड़ा नुकसान होने का डर रहता है, परंतु अभी तक जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए बड़ी अच्छी और लाभदायक सिद्ध हो रही है। कल रात से रिमझिम बारिश हो रही है, ये किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो गेहूं की फसलें लगाई हुई है, धनिया वगैरह लोगों ने लगाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी लगाई है, सब फसलों के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है। और आगे जो नई फसलें लगानी है जैसे गन्ना वगैरह है, उसके लिए भी ये बारिश बहुत फायदेमंद है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।